ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है ना सिरिंज को अनइंस्टॉल करने के लिए सबसे नीचे लाना होगा इसको। यस ठीक है, इसके बाद इस पोर्शन पे हम पुश करेंगे, फिर हमारी सिरिंज बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये हीट मेंटेनर है, ये हीट करता है कंट्रास्ट को। ओके, फिर अगर आप सिरिंज को बाहर निकालना चाहते हो तो इस तरह से बाहर आ जाएगी ये। ठीक है, ठीक है, और इसको भी आप खोल सकते हैं, यहाँ पे जो है सो स्क्रू है, इसको लूज करके यस खोल सकते हैं। फिर इसको हम अभी टेम्पररी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको आप नॉर्मल ऐसे करके पुश करेंगे, एक टक्का आवाज आएगा। ठीक है, और फिल करने के लिए हमारे पास दो बटन है, ये हाई स्पीड है, ये लो स्पीड है। ठीक है, हम कुछ ईयर इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, 74 ml है इसमें, आपको दिखाएगा और देखिए स्क्रीन पर आती है। हम मैनुअल नोब भी आप यहाँ से भी जो है ना रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये इमरजेंसी स्टॉप बटन है, ये स्क्रीन पे आपको कितना एम एल फिल है वो दिखा रहा है। ठीक है, ये हमारा मेन स्क्रीन है, यहाँ से आप प्रेशर लिमिट मैक्सिमम 1200 होते हैं, लेकिन जो अपना प्रिस्क्राइब होते हैं वो आप डालेंगे। इस पर इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, लाइट ब्लू कलर का लाइट आएगा, इसको मतलब आप इसको एडिट कर सकते हैं। हम 800 लिए, एक्सरे मतलब क्या होता है कि इंजेक्शन के कितने डेले के बाद एक्सरे स्टार्ट होगा, अगर ये इसके साथ इंटरफेस है तो आप जो भी 1-2 डालना चाहे। ठीक है, रैंप अप क्या होता है कि ये एक्चुअल जो फ्लो रेट है ना, इस फ्लो रेट को गेन करने में इसको कितना समय लगेगा, क्योंकि ये इमिडिएटली पूरा फ्लो से जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा ना, स्लोली स्लोली वो इस स्पीड को गेन करता है। इस पर आप जो भी क्लिक करना चाहते हैं, ये मैक्सिमम 40 सेकेंड पर 40 ml/s है, इसको आप जो भी 12 जो भी जानना चाहें। वॉल्यूम जैसे कि 73 है, अगर आप 50 देना चाहते हैं तो 50 रख लीजिए। देखिए इसमें एक जैरो सेंसर है, कि जब हम किसी को भी ऐसा हम फील करना चाहें ना, इंजेक्ट करना चाहे बॉडी में, तो नहीं जाएगा, इसको आप बेंड करेंगे। बेंड करते ही आपको यहाँ पे ऐसा स्क्रीन आएगा कि आप कितना PSI सब देंगे। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, अगर आप इसको इंटरफेस करना है तो आप कनेक्ट कर देंगे, अगर अभी तो इंटरफेस नहीं करना है तो हम डिसकनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बदल गया, पहले येलो कलर का अपवर्ड था, अभी ओके है। यस ठीक है, अब स्टैंड बाय करते हैं। अब हम इसको इसमें ब्लू लाइट, देखिए यहाँ पर भी आपको ये रेडी भी हो गया और यहाँ पर आपको सारा डिटेल बता रहा है। बिल्कुल ठीक है, किस कितना फ्लो रेट सेट के हैं, कितना PSI है, कितना वॉल्यूम देना है, 73 ml देना है, हम 50 पूछते हैं। आप यहाँ पर भी आ गए, इसको प्रेस करना है, कीजिए प्रेस, और जब तक प्रेस करना है तब तक यहाँ पे बिल्कुल बैक ना आ जाए। यस, हटाना नहीं है, यानी ये हमारी ग्राफ आएगी। ठीक है, अब आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक केस हो गई। अगर आपको सेम केस में रिपीट करना होता है, जैसे कि आपको बार बार यहाँ ओके करने के बजाय कि आप रिपीट कर लेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे 10 कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम 8 ml/s कर लेते हैं। अब हम ओके किए, अब देखिए हमको बार बार ओके करने की जरूरत नहीं, रिपीट होगा। ठीक है, अब दोबारा ओके करने की जरूरत नहीं, उन्होंने रिपीट वाले बटन दबाए तो कंटिन्यू होता रहेगा जब तक अपना उसमें डाई है, जब तक डाई है उसमें रिपीट होता रहेगा सेम वॉल्यूम पे। हाँ, अगर नहीं चाहते तो उसको डिसलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर रिजल्ट है, आपको पूरा हिस्ट्री बताएगा, जैसे अभी का केस किए हैं वो कैसा ग्राफ था, आपने बहुत पहले किए थे इसका कैसा ग्राफ था। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इस मेमोरी में आप प्रॉपर जो बार बार यूज करते हैं जो पैरामीटर को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं भी सेव करना चाहूँ कोई चीज़, चलो कोई बस टेस्ट शॉट दे सकते हैं आप, जैसे भी मेरे पास 3 ml है, इस बॉक्स से पहुँच दवा टेस्ट शॉट एक दे सकते हैं। तो हो गया, 4-5 मिनट हो गए बस। वेरिएबल फ्लो रेट अपने पास है, लेकिन अभी इसके लिए अलग से स्विच लगेगा। एनजीओ मल्टी है,
इन्फ्यूजन भी है, जब आपको कंटिन्यू लंबे टाइम के लिए वेट करना होता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ही है, अब यहाँ से ऑफ कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।